ये लीजिए। अरे नहीं थैंक्स, कोई बात क्या हुआ, कब्जी है? लेटर नहीं आई सुबह? अरे नहीं नहीं एक्चुअली रोजा है मेरा, तो इसमें कुछ खाते पीते नहीं है ना। कुछ भी नहीं खाते पीते? नहीं नहीं। कमाल है सर, हैट्स ऑफ है आपकी, हैट्स ऑफ। थैंक यू। मैं तो डायरी रखता हूँ, खाए ना। चलिए आप खाइए, मैं आपको। हैट्स ऑफ है सर, हैट्स ऑफ। यस। अरे गाइस मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मेरे को ये मैच वैच में इंटरेस्ट नहीं है। भैया इन्होंने तो टी शर्ट भी ग्रीन पहनी है, पक्का पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हेलो भाजी। हाय। अरे भाजी मेरी कजन बहन है, लखनऊ से आई है आज ही। नहीं क्या पानी नहीं पीते? अरे हाँ कल बताया तो था। बिल्कुल नहीं पीते? नहीं हमारे। कमाल है। मैं तो पानी के बिना रह नहीं सकता। अच्छी बात है। अरे अबे यार ये हाय। अरे वाह बड़े दिन हो गए। कब आई तुम्हारी बहन? बाजी मेरी बहन नहीं है। मतलब? मतलब हमारा निकाह हो गया। आपको तो खुदा होता है, आपको अपने खुदा का डर नहीं? अरे कुछ बोलो प्लीज। 7 बजे तो अब खा सकते हैं? अच्छा इफ्तारी का टाइम नहीं है, अब खा सकते हैं? मैं आपको पानी देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, आप पानी 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 और मैं भर के लाता हूँ। सॉरी सॉरी गाइस, रियल मैड्रिड जीत गई यार, मजा आ गया यार, क्या खेला है यार रोनाल्डो। क्यों हो गया? अरे मेरे को क्यों मार रहे हो? अरे मैंने क्या किया? ओ मेरे को क्यों मार रहे हो? ले ले गाजर का हलवा, मम्मी ने बनाया है। क्या खाएंगे? ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर देते हैं भैया, एक बटर चिकन और एक चिकन चंगेजी। तू करेगा एक चिकन बिरयानी और भैया एक शाही पनीर। शाही पनीर? तू वेज खा रहा है? तुझे क्या हो गया भाई? क्या हुआ मित्रों, तुम्हें पता तो है मैं शाकाहारी हूँ। तू मुसलमानों के वेजिटेरियन है? तो क्या हुआ, मुसलमानों के जरूरी नहीं है मैं मांस मच्छी ही खाऊं, मैं शाकाहारी मुसलमान हूँ। कश्मीरी दंगों में 4 जवान हुए शहीद। क्या यार इन लोगों को ना कुछ नहीं हो सकता साला, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। अबे वो छोड़िए, देख शाहरुख खान की नई स्टेटमेंट, ये लोग तो हमारे देश में रहने लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा भाई, सालों को ना एक एक करके बाहर निकाल देना चाहिए। क्या किया इन लोगों ने हमारे देश के लिए? कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, कौन है ये लोग, जानते हैं क्या हमारे देश के बारे में? बिल्कुल रहने लायक नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था। इनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है। आप लोग को तो पता है ना? अच्छा हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल सही। अरे रहने दीजिए भाई साहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में और हमारे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए मैं चलता हूँ। और हाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखी थी, नेशनल सॉन्ग हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसी। और टाइम वगैरह ड्यूटी हो जा रहा है? अरे हाँ यार चल मैं निकलता हूँ। चल सत श्री अकाल, सदा हाफिज़ वीरे, जय हिंद।